हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केआरके फूड मैजिक ब्लॉग्स। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी। इसके लिए हमने यहाँ लिया है 100 ग्राम साबूदाना। ये मीडियम साइज की साबूदाना है। इसे हमने 5 से 6 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब इसे अच्छे से छान के निकाल लिया है पानी से। और यहाँ है थोड़ा सा 1 चम्मच गरम मसाला, जीरा 1 चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक 7 से 8 कड़ी पत्ते, यहाँ है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और यहाँ है मैगी मसाला 1 चम्मच। यहाँ हमने उबले हुए आलू लिए हुए हैं 2-3, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। टमाटर 1 है मीडियम साइज के, यहाँ है प्याज 2 मीडियम साइज के, अदरक बारीक कटी हुई और हरी मिर्च। यहाँ हमने लिया है मूंगफली बादाम और ये है धनिया पत्ता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच शुद्ध घी रखेंगे। आप इसकी जगह बटर या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली बादाम जो हमने लिया है उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप इसे रोस्ट करके भी ले सकते हैं। अभी हो चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे। बादाम को फ्राई करने के बाद अब हम उसी घी में जीरा, कड़ी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च डाल के इसमें चलाएंगे। हम इसमें प्याज रखेंगे, और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, और इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, मैगी मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से चलाएंगे। अब 2 मिनट हम इसे ढककर पका लेंगे ताकि आलू में अच्छे से टेस्ट चला जाए। 2 मिनट ढकने के बाद अब हम इसे हटा देंगे। ये अच्छे से हो चुका है। अब हम इसमें साबूदाना रखेंगे। मिला लेंगे।
अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें बादाम और धनिया पत्ता ऐड करेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद और खिला खिला हो जाता है। अब हमारी साबूदाना की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। देखिए, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।